अगर कुछ हो गया भारत को पूरा अधिकार होगा जवाबी कार्रवाई करने का। दूतावास पे हमला उस देश पर हमला माना जाता है। आप जब एक बड़ी चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आपको ये भी रखना पड़ता है, नहीं तो सर पे खोपड़िया पे चढ़ जाएंगे लोग। आप उस आवास में राजदूत रह रहा है, उसे तो दूतावास कहा जाता है, और अगर वो बाहर घूम रहा है ना तो आप इंडिया की पुलिस कभी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है, चाहे वो पाकिस्तान का राजदूत हो, ईरान का हो, चाइना का हो, अमेरिका में हो, कहीं का राजदूत हो, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इतना पावर होता है। वियना संधि के तहत हम राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारा भी दूतावास कहाँ है? इस्लामाबाद में है। हमारा भी दूतावास इस्लामाबाद में है, क्या गिरफ्तार कर सकता है? नहीं। हमारा दूतावास ढाका में भी है, अभी ढाका जल रहा है, ढाका जल रहा है, तनिक घुस के दूतावास में कुछ कर दे लो। अगर राजदूत को कुछ हुआ, दूतावास पे हमला उस देश पर हमला माना जाता है, अगर कुछ हो गया तो भारत को पूरा अधिकार होगा जवाबी कार्रवाई करने का। अब ये डिपेंड करेगा कि भारत अपने रिश्ते बचाने के लिए कार्रवाई करता है या कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि कई बार होता है ना, आप दूर तक सोच के आप क्या करते हैं, थोड़ा चुप हो जाते हैं, नहीं तो पूरा अधिकार होगा कार्रवाई करने का। तो दूतावास बहुत पावरफुल चीज होता है, राजदूत या दूतावास बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एक बार भारत से गलती हो गया, इटली के, यह है इटली, तुर्की के बगल में उधर इटली, एक पानी वाली जहाज जा रही थी यहाँ पर, केरला के पास आ रही थी, और कुछ मछुआरे थे, उनको इस पानी वाली जहाज पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मछुआरों को गोली मार दिया, और मछली मार रहे थे, उनको क्या कर दिया, गोली मार दिया उसको। और उस क्या कर रहा था, हमको लगा कि ये लुटेरे हैं, क्योंकि सोमालिया के लुटेरे सब यही काम करते हैं, ये देश है ना सोमालिया, ये मछली पकड़ने वाली बोट में आते हैं सब, और उसके बाद से बंदूक दिखा के चढ़ जाते हैं। तो उसका कहना है कि हम मार दिए, हमको लगा कि ये मछुआरे हैं, लुटेरे हैं, और जैसे जहाज को केरल में लगी ना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई तू वैसे कैसे मार दिए, तुमको किसी को अधिकार है कि तुमको जो लगेगा उसको मार दोगे? अब उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, क्या चलाया गया, अब वो तो परेशान हो गए सब मुकदमा चला के, कि भारत के कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलेगी, और कांड ऐसा किया था इंटरनेशनल जिसका कोई हद नहीं। तो केरल में वो है यहाँ पे, अब इस पर गुहार लगाया गया कि भैया जल्दी ट्रायल किया जाए, मुकदमा जल्दी खत्म कराया जाए, जेल में उन सबको मच्छर काट रहे थे सब, अंग्रेज सबका जेल भी बड़ा अच्छा अच्छा होता है, उन सबका जेल क्या होता है, अच्छा अच्छा होता है, समझ गया। अब वो सब दिमाग लगाया सब कि इटली वाला, इटली वाला दिल्ली आया उद्दू को लेके उनका वकील, और सुप्रीम कोर्ट से अपील किया कि इन्हें क्रिसमस मनाने के लिए एक हफ्ता इटली जाने दिया जाए। और यहां सुप्रीम कोर्ट से मिस्टेक हुआ था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत कौन लेगा, तो अगर जमानत लेना होता है ना तो कोई गारंटर बनता है, दो आदमी गारंटर बनते हैं, एक दो को, जैसा गारंटर रहेगा उस तरह से गारंटर बनेगा कि अगर ये भाग गया तो हमको रख लीजिएगा, हाँ बदले में रख लीजिएगा हमको, ये ना कि किसी को जमानत लेना हो आप गारंटर बनते रहिए, क्योंकि कोर्ट अगर उसे वापस बुलाया और नहीं आया तो जो गारंटर बने रहेगा ना कोर्ट उन्हीं को लेगा, उन्हीं को ले आएगा, कहते ही घूम के गारंटी दे रहा था आओ। अब यहां समझो ध्यान से कितना खतरनाक चाल चला सब, ये दोस्त नौसैनिकों को कहां भेजा गया, क्रिसमस के लिए इटली, और गारंटर बना जानते हैं कौन, इटली का राजदूत। अब आप बताओ इटली के राजदूत को गारंटर बना के फायदा क्या, आप उसे गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, वियना कन्वेंशन है, वियना संधि है कि किसी राजदूत को गिरफ्तार नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में ध्यान से नहीं आया ये बात। अब ये मामला 2013 का है, समझ में आ गया कि नहीं, उस समय आप लोग छोटे होंगे, उतने भी छोटे नहीं थे उस समय, आप लोग को ये सब नहीं बुझाता होगा, गिरफ्तार कर लिए कि क्या कर लिया ये समय आप। तो अब आप बताओ सुप्रीम कोर्ट ने गलती किया कि नहीं, एग्जैक्ट यही हुआ, जैसे वो इटली पहुंचा सब ना, क्रिसमस मनाया सब, और उसके कारण अब हम भारत नहीं जाएंगे, रिटर्न नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्न नहीं होंगे, कहां है इटली का राजदूत, बुलाइए उसको, इटली का राजदूत गया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि रिटर्न नहीं होंगे तो आप ही क्या थे गारंटर, हम आपको गिरफ्तार करेंगे, तो कहा कि माई लॉर्ड योर ऑनर माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज सी दिस वियना कन्वेंशन,
वियना संधि के तहत हमें गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। ले जो अपराधी था उछल गया और जो गारंटर है उसे गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। दिमाग झनक गया। और उस समय इलेक्शन का टाइम था, 2014 में मनमोहन सिंह और मोदी जी की एंट्री हो रही थी। अब ये मामला विपक्ष इतना जबरदस्त उठाया क्योंकि कांग्रेस की जो सोनिया गांधी वो इटली की है, उनका पहला तो इटली की थी ना, वो समझ गया एंटोनियो माइनो, उनका नाम ऐसे ही था ना एंटोनियो माइनो, ऐसे पता नहीं है इस टाइप का कुछ नाम। तो विपक्ष इस पे आवाज उठाने लगा कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि मामला विपक्ष में, हालांकि इसमें तो कोई सोनिया गांधी की भूमिका नहीं थी। अब मनमोहन सिंह को मजबूरी हो गई कि कड़ा एक्शन लेने के लिए उन्होंने कहा कि या तो दो सैनिकों को वापस करो या तो ये राजदूत को भगाओ यहां से, हम अपने देश में राजदूत नहीं रखेंगे, वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो एक घटना में बोरिया बिस्तर समेट लो, इटली से सारे राजनयिक संबंध तोड़ लिए जाएंगे। और हमारा राजदूत जो इटली में बैठा था ना, उसको कहा गया कि तुम वहां के विदेश मंत्रालय को बोल दो कि हमारा आपसे रिश्ता खत्म, हम वापस जा रहे चाह रहे हैं। इटली ने भी कहा यार ये दो आदमी के चक्कर में ना हो, पूरा देश के रिलेशन खराब होंगे। तो इटली ने वापस भेजा और कहा कि जल्दी जल्दी इन पर मुकदमा चलाइएगा, यहाँ पर बहुत लेट में आपके यहाँ मुकदमा चलता है। तो वापस आया सब, फिर कहा कि आप यहाँ मुकदमा आओ तुमको बताते हैं यहाँ पे। आ गया, आ गया सब, उसको रहते रहते आदत हो गया होगा उन सब को, केरला में बैठ के इडली सांभर खा रहा होगा सर। अब यही है सब। बहुत लंबा समय लग गया, अरे भाई 5-7 साल तो उसको मुकदमा लड़ने में लग जाएगा, उसके बाद जो उसकी सजा होगी वो अलग। ऐसे गोली मार दीजिएगा किसी को जी, पता चलेगा भारत के लोगों को बहुत जरूरी है ससुरा का बुढ़ापा ही है, कटवा देना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कई बार हम सजा इसलिए नहीं देते कि उसको कभी गुनाह से ज्यादा सजा दिया जाता है, कहे कि मन बढ़ जाएगा ना दूसरे का, कौन आके भारत के लोग को मार के चल जाएगा, कहा भाई तो 5 साल तो सजा ही नहीं होता है। अभी पूरी दुनिया में डर मचल है यार, भारत मारना मत हो, बड़ी दिक्कत कर देता है भारत, देख रहे हैं इटली चलियो गया था तब वो उठा के वापस लाया। समझ में गया मुकदमा जरूरी है ये, आपको क्या लग रहा है जल्दी जल्दी सजा सुना, हमारा बस चले तो ही उन लोग का कवर बना दे टूरिस्ट प्लेस, ओ माय गॉड। रीजन, आप जब एक बड़े चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आपको ये भी रखना पड़ता है, नहीं तो सर पे खोपड़िया पे चढ़ जाएंगे लोग यहाँ पर। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा हुआ सर, हाँ बहुत अच्छा हुआ विपक्ष शांत हो गया। उस समय मोदी जी मुद्दा उठाने लगे थे क्योंकि उस समय मोदी जी विपक्ष में थे ना, विपक्ष में थे मोदी जी, क्या मुद्दा उठाते थे जिसका कोई हद नहीं, जबरदस्त मुद्दा उठाते थे।